अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुन, कैसे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे तमाम सुन को जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कमेंट के अंदर जुम्मा मुबारक मेंशन कर देना है आपने। तो सुनो, आप लोगों ने कमेंट कर कर के कमेंट बॉक्स को फुल कर दिया है। सर LMS ओपन नहीं हो रहा, हमारी वर्कशॉप होने वाली, हम यूज़र नेम और पासवर्ड सही तरीके से लगाते हैं, फिर भी हमारा LMS जो है वो ओपन नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपको जो LMS है वो ओपन नहीं हो रहा, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका LMS ऑन नहीं हो रहा। आज की इस वीडियो में इसी हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दे दी जाएगी। आप लोगों ने बस यही करना है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो सुन जिनको अभी तक उनके LMS का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करना है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। वो सुन जिनको अभी तक नहीं मिला पासवर्ड, वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद खुद से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो उसके बाद वो सुन जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है लेकिन फिर भी उनका लॉग इन नहीं हो रहा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है, वो क्या करें। तो बेसिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा सुन उसके LMS चेक किए हैं, बेसिकली दो से तीन मिस्टेक वो कर रहे हैं जिसकी वजह से LMS ओपन नहीं हो रहा। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि जब आप अपना आगाही LMS पोर्टल ओपन करते हैं, पहले ही आपको ऑप्शन मिल जाता है आइटम 21 का, फेस टू फेस प्रोग्राम का, आप उसी के ऊपर चढ़ जाते हो और वहीं पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ये फेस टू फेस प्रोग्राम आपका नहीं है, आपका डिस्टेंस लर्निंग वाला प्रोग्राम है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाए वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइटम 21 ऑनलाइन वर्कशॉप का और लॉग इन का ऑप्शन नजर आएगा। तो उसके ऊपर आपने लॉगिन करना है, वहां पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेना है। 30 से 40% स्टूडेंट यही मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। उससे अगली जो मिस्टेक है वो ये है कि जब आप सही लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वहां पर आप जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं वो भी आप गलत लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिला है तो आप जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप सिर्फ अपना यूजर नेम लिखते हैं, साथ में आपने कोई चीज भी नहीं लिखी। तो आपने ये नहीं करना, आपने @AIOU.edu.pk लाजमी लिखना है। इस तरह मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, तो इंशाल्लाह आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो दोनों तरीकों के ऊपर सही तरीके पर अमल कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका LMS ओपन नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल उनकी जो वर्कशॉप है वो 17 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने जा रही है और उनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है लेकिन इनवैलिड आ रहा है, तो उसका क्या इश्यू है। उसका इशू ये है कि उनका LMS का जो अकाउंट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्टिवेट नहीं किया गया, अभी तक वो डीएक्टिवेट है और वो एक्टिवेट तब होगा जब आपकी वर्कशॉप का टाइम आएगा। मींस के 17 जनवरी से आपकी वर्कशॉप है, 16 जनवरी को आपको जो LMS आगाही पोर्टल है आप उसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड जिस तरह मैं बता रहा हूँ सही तरीके से एंटर करेंगे तो इंशाल्लाह 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि आपकी वर्कशॉप हो और आपका पोर्टल ऑन ना हो रहा हो। तो आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा होता, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिनका LMS ओपन नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल वो सही तरीके से लगा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है। तो उनको मैं स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल एड्रेस दिखा रहा हूं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का है, तो आपने अपने रीजनल ऑफिस के जो फोकल पर्सन है उनको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद उनको बोलना है कि सर मेरी वर्कशॉप है, पासवर्ड भी सही एंटर कर रहा है लेकिन फिर भी हमारा LMS पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, तो वो आपका LMS पोर्टल आपको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपने बस यही काम करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आप कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। मिस्टेक्स करने के बाद जब आपकी वर्कशॉप होगी उस दिन भी ओपन हो सकता है और उस नाइट भी ओपन हो सकता है, आपने सिर्फ बस ट्राई करते रहना है सही तरीके से। तो उम्मीद है आपको LMS के हवाले से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।